इसलिए अब समय नहीं है हमारे पास में। आप लोग किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझसे भी बड़ी उम्र के कई लोग यहाँ बैठे हैं। अब समय नहीं है, अब उठिए जागिए, क्योंकि भैया अब समय ना, अभी सूरदास जी ने कहीं पंक्तियों में ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग में बीच में एक बार ऐसा समय आएगा कि ऐसा लगेगा कि हम सतयुग में आ गए। अभी वही समय चल रहा है। अभी अचानक से आप देखेंगे कि सब जगह ऐसा लगने लग रहा है कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोग सद्मार्गीय हो रहे हैं। सूरदास जी ने 500 साल पहले लिख दी है ये बात कि बीच में ऐसा समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सतयुग आ गया क्या। पर वो कुछ क्षण के लिए अनुभव होने वाला सतयुग जैसे ही विराम लेगा तब घनघोर कलिकाल का प्रारंभ होगा। इसलिए भैया ये सतयुग जो आया है ना, आज ये समझ लीजिए, आज की तारीख 22 जनवरी ये इस सतयुग का मध्य है। ये कलयुग में दिख रहा सतयुग इसका मध्य है। आज राम जी विराजमान हो गए, या फिर ऐसा कर लो आज प्रारंभ है। अभी कुछ दिनों के लिए खूब सनातन बढ़ेगा, खूब भक्ति बढ़ेगी, इसी बीच में ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि ये जिस दिन विराम लेगा उसके बाद अब कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमारे पास समय नहीं है। एक प्रकार से राम जी ने आकर के हमको, जैसे माइलस्टोन होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो उज्जैन जा रहे हैं तो रास्ते में वो पत्थर लगा रहता, उज्जैन इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर। आज राम जी ने आकर के एक माइलस्टोन आपके सामने रख दिया है, बस कुछ ही दिन की अब स्थिति और है, अपना कल्याण कर लीजिए। ठाकुर जी कब आते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी आती तब है जब धर्म की हानि होने का समय प्रारंभ होने वाला होता है। आज राम जी आए हैं, इसका मतलब कुछ ही वर्ष बचे हैं हमारे पास में, कुछ ही वर्षों के लिए अब सतयुग है। भैया इतने में ही कल्याण कर लो, क्योंकि उसके बाद का समय भयावह होने वाला। सूरदास जी की पंक्ति मुझे याद आएगी, मैं कल सुनाऊंगा कथा, उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो समय कम है भैया, इस महाभारत युद्ध को जीतना नहीं है। अर्जुन की जीत उसी समय हो गई जिस दिन उसने अपना सारथी कृष्ण बना लिए। बस हमें जीतना कोई युद्ध में सबको हरा करके एकलौते साम्राज्य पर बैठना, ऐसी जीत नहीं है। जीत हमारी उसी दिन जिस दिन श्री कृष्ण हमारे मस्तिष्क पर विराजमान हो गए। बस उनको विराजमान कर लो, फिर कृष्ण गति, कृष्ण मति, कृष्ण ही हमारी गति, कृष्ण के अलावा फिर कुछ नहीं। वो जो कहें, वो जो करें, उनका जो आदेश वही करना है, और उनका आदेश इन मंचों से ही कहा जाता है, उनको सुनिए। तो महाभारत युद्ध अपनी अंतिम स्थिति में था। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार कर दिया और भीम टूट करके गिर पड़ा, और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया कि मैं जब राज्यगद्दी पर नहीं बैठा तो मैं पांडवों को भी नहीं बैठने दूंगा, जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो। और अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। भैया ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी ना तो बाथरूम में पैर के नीचे साबुन आती गिर जाओगे, रिपट के मर जाओगे, और ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो पहाड़ से गिर जाओ, नदी में डूब जाओ, 20 दिन तक बिना भोजन पानी के रह लो, प्राण नहीं निकलेंगे। ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करती है हमारे प्राण। इसलिए आत्महत्या करने वालों को सबसे बड़ा पापी माना जाता है। क्यों?
क्योंकि वो हट पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया जो आत्महत्या करता है उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनियों में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी कि वो मरे। ठाकुर जी उसको जैसे चाहे मारते, उसने अपने आप अपने आत्मा अपने प्राणों का त्याग किया, हट पूर्वक त्याग किया, जबरदस्ती त्याग किया। इसलिए ठाकुर जी रुष्ट होकर के उसको प्रेत बना देते। तो भैया ठाकुर जी की इच्छा हो तो आदमी कहीं भी मर जाएगा, नहीं है इच्छा तो चाहे कितना भी कुछ कर ले, पहाड़ गिर जाए उसके ऊपर तो भी नहीं मरेगा। आधी रात में ही भगवान पांडवों को हंस का प्रलोभन लेकर के कि हंस देखने चलेंगे ऐसा कहकर के पांडवों को कहीं और लेकर के चले गए, पर द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चे वहीं रह गए। अंधेरे के कारण दुर्योधन ने अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, उनका सर भर के ले गया एक थैले में, ले जाकर के जैसे ही दुर्योधन को दिखाया, प्रकाश करके दुर्योधन ने जैसे ही देखा उसने कहा अरे मूर्ख, तूने द्रौपदी के बच्चे मार दिए, ये पांडव नहीं है। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि मैंने द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मरवा दिया। प्रातःकाल होते ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के बालकों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और पकड़ करके हाथ पांव बांध करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ले आकर के द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया, अपनी तलवार निकाल करके उसके गले पर रख दी और कहने लगे अर्जुन द्रौपदी तुम आज्ञा करो, इसी ने मारा है बालकों को, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। बंधुओं, बहुत सुंदर बात है, द्रौपदी के इस भाव में 5 योग्यताएं बताई गई। द्रौपदी कौन है? मृतक बालकों की मां है, मरे हुए बालकों की मां है। अभी तक बालकों का संस्कार भी नहीं हुआ, मृतक बालक सामने ही पड़े हैं। ऐसी कठिन स्थिति में द्रौपदी 5 बातों को केंद्र में लेकर के फिर निर्णय देती है। वैसे सामान्य रूप से होता क्या है कि मानव के सामने जैसी विपरीत अवस्था होती है, जैसे कि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, अब वो व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आपसे कोई कुछ कहे भैया ऐसे ऐसे काम है आप करवा, भाई अभी बात मत कर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, हैं मेरा वो प्रेमी घर का परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ा है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही, अभी भोजन कर लो, भूख नहीं लग रही यार, पूरे दिन दिमाग वहीं लगा हुआ है। हम विपरीत अवस्था जैसे ही हमारे जीवन में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, भोजन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, निद्रा खत्म हो जाती है, प्यास मर जाती है, सजने धजने सवरने की स्थिति नष्ट हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। लेकिन बंधुओं इस स्थिति को श्रेष्ठ नहीं माना गया, ये कायर स्थिति मानी गई है, इसको कायरता कहते हैं। भाई नाविक उसी को माना जाता है जो नदी के भाव के उल्टे में नाव चला के दिखा दे। भाव जहां की तरफ है नदी का, वहां तो कोई भी नाव चला देगा। नाविक तो वो माना जाए कि नदी सामने से आ रही है और तुमको चीर करके उल्टा लेके जाना है, उसको कहा जाएगा हाँ ये नाव चालक बढ़िया है। नदी में बवंडर आ जाए और तब नाव को बचा करके लावे तब कहेंगे ये नाविक अच्छा है। ठीक वैसे ही बंधुओं हमारे जीवन में जब विपरीत अवस्था विपरीत सिचुएशंस आती हैं, तब यदि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं अभी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अभी तो हमसे कुछ होगा ही नहीं, अभी ये समय निकल जाए तब हम कुछ करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं अनुकूल अवस्था में तो कोई भी कर लेगा, विपरीत में करके दिखाओ तो माने। हमारी स्थिति ऐसी है
कि लगभग 365 दिन कथा होने लग गई। अब 365 दिन में से इतना कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, 330 दिन तो कथा ही करते हैं, बाकी के 35 दिन थोड़ा आराम समझ लो। अब इतने में परिवार में भी कुछ ना कुछ होता है कहीं ना कहीं। अब हमारे तो केवल हमारा घर ही नहीं है, हम जहां जहां कथा करने जाते हैं सब जगह हमारे परिवार है। कभी किसी के परिवार में कोई संकट, कभी कहीं कोई संकट, कभी कुछ बात, कभी कुछ बात। अपना इतना परिकर रहता है, परिकर में कभी किसी में कुछ हो गया, कोई बात हो गई, किसी के यहाँ कुछ हो गया, स्वयं के निज परिवार में इतनी दुविधाएं विविधाएं आती रहती हैं। संसार है, सबके यहाँ होता है, लेकिन हमको व्यासपीठ पर बैठने से पहले सब भूलना पड़ता है। स्वयं की भी तबीयत कभी ठीक ना हो तो भी कथा में 100% कहना ही पड़ता है। हम उस चीज को लेकर के कथा छोटी कर दें या आज कथा एक घंटे ही करेंगे चले जाएंगे थोड़ा आराम, ऐसा नहीं, हमको करना ही पड़ेगा और यही जीवन है। विपरीत अवस्थाओं में आप जब डट करके खड़े रहते हैं और अपने कर्म को नहीं त्यागते हैं तब आप योद्धा माने जाते हैं।